who said that if you don't have a bachelor degree in computer science or related field then you can't pursue masters in computer science well here i am going to tell you don't worry you can still pursue your mtech or ms degree from india's leading institution like iit and iic let's stick to the video until the end you will get all the information for your masters degree in computer science but before starting if you're new to this channel and haven't subscribed yet please do subscribe because i get a lot of motivation to make these kind of videos

सिलेक्शन होगा नाउ आई आई सी सॉर्टेड आई एस सी में सी एस एर सी डी एस इफ यू परसूर एमटे डिग्री इन दिस टू डिपार्टमेंट नो मैटर वट इज योर ब्रांच और स्पेशलाइजेशन इन योर बी और बीटेक एज लॉ यू हैव द डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यू आर परफेक्टली एलिजिबल फॉर दीज टू डिग्रीज एंड लेट्स चॉक अब अदर आई टीज एंड देखते हैं कि उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या होता है नाउ लेट चॉक अबाउट इंडिया प्रीमियर आई आई टीज फर्स्ट लेट्स चॉक अबाउट आई आई टी बॉम्बे इसमें एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन दैट the eligibility criteria for mtech in computer science is you should have a be or btech in any engineering discipline or you should have msc or equivalent degree in any science stream or you must have an mca degree so these three degrees are eligible be btech msc and mca these three degrees are eligible for that and you don't need to necessarily have computer science or it in your bachelor's degree

Gate score in computer science. Now let's talk about IIT Kanpur. Here, clearly mentioned you should have a B.E., B.Tech, or equivalent degree in any engineering discipline, or you must have an M.Sc. degree or equivalent in any science stream. And they also mentioned that if you are a student from non-computer science background, you must have at least some computer science specific knowledge, or you must have taken some computer science specific courses. Might be some courses, it might be some project, it might be some internship or something else. And based on your Gate score. द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर नेक्स्ट इज आई आई टी खरगपुर इसमें भी सेम केस है दैट यू शुड हैव बी बी टेक और इक्वेलन डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम वो आर एलिजिबल टू अपलाई फॉर एम टेक सी एस सी इन आई आई टी खरगपुर बट यू शुड रिमेंबर दैट गेट कंप्यूटर साइंस कोर इज नेसेसरी इन ऑल द आई आई टीज अपार्ट फ्रॉम आई एस सी सी डी एस डिपार्टमेंट और आई कैन से द इंटर डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट इसमें आपका सी एस के अलावा बाकी बहुत सारे गेट पेपर्स एलिजिबल है बट फॉर प्योर एम टेक सी एस सी

यू आर फुल्ली एलिजिबल टू अपलाई दर एम टे कोर्सेस तो ना अगर आप इस साल पर ग्रेजुएट हुए हो एंड आपका बहुत अच्छी गेट स्कोर है अराउंड थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी गेट स्कोर है एंड आपका अगर बैकग्राउंड नॉन सी एस से है देन आई हाईली एनकरेज यू टू अपलाई इन ऑल द एम टेक कोर्सेज इन आई आज एंड ऑल्सो इॉचिंग एस ए गेट एस्पिरेंट आप अला साल गेट में अपियर करना चाहते हो बट इफ़ यू आर नॉन सी एस आप सोच रहे हो कि मेरा बैकग्राउंड शायद मैच करेगा कि नहीं विल आई बी एलिजिबल एट आई आई टी फॉर एम टेक सी एस सी कोर्सेज देन कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई में हर एम टेक कोर्स में आपका इंजीनियरिंग की डिग्री कोई भी डिसिप्लिन पे हो यू आर फुल्ली एलिजिबल एज लॉन्ग एज यू हैव अ गेट स्कोर इन कंप्यूटर साइंस ऑनली बस आई होप आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो गया ऐसी वीडियो से और भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन आई ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट ऑफ यूर्स तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ रेगुलरली